चंडीगढ़ में मंत्री कवासी लखमा के आदिवासियों के हिंदू धर्म से अलग वाले बयान पर स्वामी शंकराचार्य ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लंबित प्रकरणों की संख्या 91,788 के पार। छत्तीसगढ़ में 73.50 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को दो दिन नहीं मिलेगा राशन। छत्तीसगढ़ में पंजाब से 200 मेगावाट बिजली उधार में लेने के लिए हुआ करार। छत्तीसगढ़ की बेटियां लगाएंगी चौके छक्के, दो सगी बहनों सहित 3 शॉर्ट लिस्टेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के पास बोरवेल के पानी में पेट्रोल की दुर्गंध आने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के अधिकांश बोरवेल के पानी में पेट्रोल की दुर्गंध आ रही है। वही इस मामले की जानकारी मिलते ही PHI विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी के सैंपल को लेकर जाँच शुरू कर दी है। आज हम मोहल्लावासी वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 16 के जितने वार्डवासी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये एप्लीकेशन नवंबर माह में लगाया गया था कि वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 में कि पेट्रोल के पानी में पेट्रोल या डीजल की स्मेल आ रही थी। आज हालात ऐसे हैं कि 4 महीने तक प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और आज टीम आई है जाँच के लिए, और जब तक जाँच की टीम यहाँ पहुँची है तब तक यहाँ वार्ड नंबर 7 के बढ़ने के बाद वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 16 पूरा प्रभावित हो चुका है। यहाँ पूरा मोहल्लावासी एक एक बूंद पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। ये जो भूमिगत जो जल का स्रोत है जिससे हम लोग सभी निवासी लोग यहाँ पर लिंक रोड में हैं, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 16 में रहते हैं, निवास करते हैं, तो भूमिगत स्रोत जो हम लोग बोर अपने अपने घर में जल अपना पीने के पानी का उपयोग करने के लिए खुदवाएँ घर में, तो उस जल के स्रोत में पेट्रोल का मिश्रण हो जाने के कारण, भूमिगत पेट्रोल का रिसाव होने के कारण वो पानी जो है प्रदूषित हो गया है और पीने लायक नहीं रह गया है। इसके कारण जो बच्चे लोग हैं और काफ़ी सभी आदमी लोगों को पेट किससे संबंधित प्रॉब्लम हो रही है और दिक्कतों का सामना हो रहा है, और जो पानी है बिल्कुल पीने लायक नहीं है। अभी हम लोग कहीं से बाहर से पानी अपना पीने के लिए खरीद करके व्यवस्था कर रहे हैं, जिनके पास RO है तो RO से अपना पानी पीने का व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत गंभीर रूप से बनी हुई है भैया यहाँ, क्योंकि वार्ड क्रमांक 7 में 12 महीने तक के ये पानी जो है साल भर से भी ख़राब आ रहा है। पहले व्यक्तिगत रूप से जाकर के हम पेट्रोल मालिक से मिले और इस संबंध में बतलाया, उनको पानी भी टेस्ट कराया, चूँकि इनके घर का ही पानी ख़राब आ रहा है। व्यक्तिगत रूप से जहाँ इतने मोहल्लेवासी जो हैं सबके बोरवेल में पानी जो है पेट्रोल डीजल ये साल भर से समस्या बनी हुई है, लेकिन फार्म जो है नवंबर महीने में लगाया गया था। इससे पहले हम इसको व्यक्तिगत रूप से समझाइश दिए थे और ये हमको आश्वासन भी दिए थे कि यहाँ पर जो है टंकी के ख़राब होने के कारण आया है पानी, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या प्रायः बनी हुई है, साल भर से भी ज़्यादा होने को जा रही है। आज मोहल्ले वासियों के द्वारा शिकायत किया गया था कि यहाँ पेट्रोल पंप से पेट्रोल या कुछ लीकेज हो रहा है जिसके कारण पीने का पानी प्रदूषित हो गया करके। उस संबंध में SDM मैडम का निर्देश मिला था, उसमें जाँच करने आए हैं और आसपास के 2-3 घरों से पानी लिए हैं, उसमें वाकई में स्मेल तो आ रहा है, तो इस संबंध में हम जांच करके इसका रिपोर्ट भेजेंगे और उसके बाद जो उच्च अधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के राजपुर में गठित स्वर्णकार समाज के द्वारा 24 फरवरी को महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष सुरेश सोनी की तरफ से महिला शक्ति के साथ बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। हम लोग का 9 बजे से प्रोग्राम है समाज का सम्मेलन के उद्देश्य से, इसी प्रांगण से अपने जो समाज का भवन है यहीं से श्री राम जी का पूजा अर्चना के बाद हम लोग हरिंती माँ तक, जो माँ पूर्णिमा पार्क के नाम से जाना जाता है, नगर में प्रभात फेरी के रूप में निकलेगा, वहाँ तक जाएंगे।
आज चूँकि उसी तैयारी में जो हमारे समाज का रीढ़ है महिला शक्ति, तो आज महिला शक्ति को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, उनसे भी सलाह मशवरा किया गया था कि उस रैली में किस टाइप से जिसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसी में आज महिला शक्ति भी यहाँ पर उपस्थित है और उसमें हम लोग जिसे अच्छा से अच्छा उस महारैली को करने का प्रयास करेंगे। स्वर्णकार समाज के मतलब यहाँ बुलाया गया था, इसमें स्वर्णकार समाज की सारी महिलाएं उपस्थित हुई, सबको बहुत खुशी हो रही है कि घर से निकलकर सारी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, योग्य पद दिया जा रहा है, सबको अपना एक नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सभी महिलाओं को उनके नाम से उनके पद से भी जाना जाएगा, इसलिए सारी महिलाएँ अपने हर्षोल्लास के साथ आगे कार्यक्रम को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग की भागीदारी संपूर्ण तरह से रहेगी, हम लोग सब एकजुट के होके एक साथ कार्यक्रम को सफल बनाने का कोशिश करेंगे। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग भी, हम महिलाओं को भी बाहर निकाला जा रहा है और हम भी एक साथ मिल के कुछ काम करें और महिलाओं का भी सम्मान मिले, हम सबको सम्मान मिल रहा है, ये बहुत अच्छा। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां पर बस्तर परिवहन संघ के वर्ष 2023-24 के चुनाव को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ के पिछले कार्यकाल के वार्षिक लेखा जोखा को पेश किया गया। इसके साथ ही आम सभा में ये निर्णय लिया गया कि चुनाव में विवादित एवं भ्रष्ट प्रवृत्ति के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। बस्तर परिवहन संघ सन 2021-22 में चुनाव हुआ था और हमारी कमेटी को सदस्यों ने भारी बहुमत से बिठाया था। उसके बाद दोबारा जब हमारी आम सभा 22-23 के लिए हुई तो सदस्यों ने चुनाव को नकारते हुए हमें फिर से एक वर्ष का मौका दिया था और आज हमारा कार्यकाल पूरा हुआ, तो उसी के तारतम्य में हमने आज आम सभा फिर आयोजित की थी और आगामी चुनाव का डेट फिक्स करने के लिए वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया गया और फरवरी मंथ के अंदर में चुनावी प्रक्रिया मतदान के द्वारा पूरा करने की सहमति बनी। 7/2023 को आहूत की गई थी, जिसमें हमारे सारे सदस्यों को आमंत्रित किया गया था और हमारे सारे कभी काफ़ी सदस्य हमारे जो बाहर गए नहीं आ पाए, बाकी हमारे पूरे सदस्य आए यहाँ पर। तो हमारा मेन मुद्दा था लेखा जोखा और चुनाव का। लेखा जोखा हमने बड़ी मतलब कि प्रस्तुत किया, जिससे सारी जनता ने मतलब कि एक धमनी से पास किया और चुनाव के लिए हमने एक डेट फिक्स अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कहा गया, जिससे हमारी जनता ने सर्वसम्मति से पास करके हमने उसको मिनट बुक में ले लिया और फरवरी में ही हमारा चुनाव निर्धारित। खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से है, जहां पर विकास खंड लूंड्रा क्षेत्र के असकला ग्राम में राशन की दुकान के संचालन में फेरबदल करने पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि गांव के ही उप सरपंच की मिलीभगत से सरकारी राशन की दुकान को पंचायत के अधीन कर दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीण विरोध जता रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि उप सरपंच अपने दबंगई के बल पर सरकारी राशन की दुकान को अपने अधीन रखना चाहते हैं। सोसाइटी के संबंध में, सोसाइटी हमारा आज 3-4 सालों से बरगीडी कैलाश गुप्ता के द्वारा संचालित किया जा रहा था। अचानक नेतागिरी करने के चक्कर में हमारा सोसाइटी, हमको तो यही बताया गया कि पैसा देकर हम सोसाइटी पंचायत में लाए हैं और पंचायत पंच बैठक बुलवाया गया, जिसमें कि हम लोग का प्रस्ताव था कि सरपंच के माध्यम से सोसाइटी, हमारे गांव की मुखिया है, सरपंच को सोसाइटी दिया जाए और दूसरे के ऊपर हम सहमत नहीं है। एक तो हमारा पूरा क्या आरोप लगा था पुराने सेल्समैन पे इसी चीज का हमको जानकारी नहीं है। आज तक हर व्यक्ति संतुष्ट है उनसे, किसी को किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं किया। आप लोगों की तकलीफ ये है कि सोसाइटी बढ़िया से चल रहा था, इसके बावजूद सेल्समैन को बदल दिया गया। 18/1/2023 को अनुविभागीय अधिकारी धवलपुर के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें सुसाई अपने उचित मूल्य दुकान असकला का प्रभार ग्राम पंचायत को देना था, जिसका प्रभार देने में आज ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर सर आपके सचिव, सरपंच एवं जनपद सदस्य और ग्रामवासियों के समक्ष हमने प्रभार सरपंच को सौंप दिया। ग्राम पंचायत चलाना चाहती थी और ग्राम पंचायत ने मांग किया था, उसके अनुरूप SDM साहब के यहाँ इन लोग आवेदन लगाए थे, आवेदन के अनुसार हमने भी स्वेच्छा से दुकान को।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा समुदाय की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कुम्हरावंड स्थित शहीद गुंडवाधूर कृषि महाविद्यालय सभागार में सम्मेलन को आयोजित किया गया, जिसको संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर है। इसके साथ ही समुदाय से जुड़े विवादों को तुरंत सुलझाने के लिए अल्पसंख्यक आयोग की सराहना की। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रत्येक जिले में सेमिनार आयोजित करके अल्पसंख्यकों के लिए जो शासन की योजनाएं हैं उसकी जानकारी से अवगत कराने के लिए हम लोग प्रत्येक जिलों में सेमिनार करते हैं। आज जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय में के सभा भवन में यह आयोजन किया गया था। उसमें हम लोगों की कोशिश रहती है कि जो योजनाएं शासन ने बनाई है उन वर्गों के लिए उससे अवगत कराया जाए, उसकी जानकारी दी जाए, उसकी बुक्स वगैरह लिटरेचर वगैरह उन लोगों तक पहुंचाया जाए। और आज भी हम लोगों ने किया और आज इस अवसर पर यहाँ के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जी, संसदीय सचिव रेखचंद जैन जी, हमारे महापौर जी, सभापति जी और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता लोग यहाँ पर उपस्थित थे। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां पर शासकीय सुरेंद्र सहाय पीजी कॉलेज गरियाबंद से शैक्षणिक भ्रमण पर छात्रों की बस खराब हो गई, जिसके बाद छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाई। इस बात की जानकारी जैसे ही मसीह समाज के उपाध्यक्ष शैलेंद्र साहा, सुजीत नाग एवं रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर चेरियन को मिली तो तुरंत मदद करने के लिए छात्रों के पास पहुंच गए और छात्रों की मदद की, जिसके बाद छात्रों ने सभी का धन्यवाद किया। अचानक वापसी में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई तो हमें यहाँ पर रुकना पड़ा और हमें यहाँ बहुत असुविधा हो रही थी। फिर अचानक हमारे मसीह समाज के उपाध्यक्ष शैलेंद्र शाह जी, अलेक्जेंडर चेरियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष और सुजीत नाग मेथोडिस्ट चर्च, इनको जब पता चला तो इन्होंने अपने हॉस्टल को खुलवाया और हमारे सभी छात्र छात्राओं के लिए भोजन की व्यवस्था की और जिससे हमारी जो समस्या था वो उसका समाधान हुआ। मैं मसीह समाज और ये मेथोडिस्टियन जो चेरियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उनके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मसीह समाज का उपाध्यक्ष हूँ और हमारे भैया चेरियन और हमारे साथी सुजीत नाग, हमको जब पता चला कि जो टीम आई हुई है और उनको असुविधा हो रही है, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, गरियाबंद से जो टीम आई हुई है कॉलेज भ्रमण के लिए और उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो हम तुरंत जैसे हमको सूचना प्राप्त हुआ हम उनके सहयोग के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा ही है और बाकी सब उसके। रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में आज 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आगाज शासकीय विक्रेता संघ द्वारा किया गया। बता दें पूरे देश भर में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही आज धरने के पहले दिन शासकीय विक्रेता संघ के जिले भर के पदाधिकारी धरना प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे। वही विक्रेता संघ के सदस्यों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग सर्वर की समस्या और ई पास मशीन और काटा कनेक्टिविटी के साथ मानदेय के साथ कमीशन में वृद्धि की है। जानकारी के मुताबिक ये धरना प्रदर्शन 3 दिन तक किया जाएगा। आज हम लोगों का राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन का कार्यक्रम है 3 दिवसीय 7, 8, 9 राष्ट्रीय विक्रेता संघ के आह्वान पर हम लोगों के द्वारा छत्तीसगढ़ में यहाँ रायगढ़ जिले में 6 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पर आज हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं और आज हम लोग का शुरू दिन है। खबर सकती जिले के जयजयपुर से है, जहां पर शासन द्वारा ग्रामीण अंचलों के मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए मनरेगा योजना अंतर्गत साल में प्रत्येक परिवार को 100 दिवस के रोजगार देने की कवायद पूरे देश में चल रही है, जिससे आम नागरिक आत्मनिर्भर हो रहा है। लेकिन अचानक ही कुछ जगहों पर बिना कारण बताए मजदूरों को काम से हटा दिया गया। वहीं प्राइम टीवी की तरफ से भोथीडीह ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम शिकारी नार के मजदूरों से बात की गई। मजदूरों की समस्या जानने के बाद प्राइम टीवी की तरफ से मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बातचीत करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बात करने से मना कर दिया। मैं सिकाई नार के यहाँ राम कुमार नाम है मोर, अब मैं रोजगार गारंटी में काम करे जात रहे, अब गए हाँ तो मोर नाम हाँ मास्टर रोलमन नहीं है कहीं नहीं।
अच्छा, तो मैं वापस आ गया, फिर एप्लीकेशन दे हमें आधार कार्ड की फोटो कापी और बैंक की फोटो कापी। तब दो हफ्ता हो गए, अभी तक ले मोर नाम नहीं चाहते। हम शिकारी नार के ग्रहण में ना है और भूरी बही है और वो कर सामन साथ में वो चार आदमी कमाते हैं ना, चार आदमी कमाए जाते हैं रोड में और गड्ढों में गए दो हफ्ता वो में कमा जा रहे हैं और कमाए के बाद में जो तीसरा माँ ना रही तीसरा जहाँ कहा थे और पैसा वाला लोग नहीं मिले है। तो दो हफ्ता कमा ले थे कर बाद में नाम नहीं आते। हाँ, तो दो हफ्ता ले रही से। हाँ, का कारण से कटे है बताते हैं कुछ? अब का बतावे तो नहीं करा थे, काबार कटा थे कैसे का के वो ये सचू है। मैं शिकारी नार के यहाँ और रोजगार गारंटी में काम करे जात रहे तो वापस आ गए हैं, नहीं चला थे तो नाम नहीं है कहीं। कब ले नहीं आते नाम हर? अब दो गड्ढा कमाए हैं दो हफ्ता, वो कर बाद में नहीं है कहीं से। अच्छा, अभी दो गड्ढा दो हफ्ता कमा दे रहे हैं। हाँ, का कारण बताते हैं कि नहीं है करके? अब वो मैं नाम नहीं कहा थे, तीन आदमी के नाम नहीं कहा थे, दो आदमी के है तो वो अब पूछें तो आवेदन हुआ कुछ लागी तो नहीं लागे का कहीं से। ये अभी मजदूरों का समस्या ये आ रहा है कि आधार अपडेट बिना काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अभी आधार अपडेट करवा रहे हैं उनका आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा है और 100 PI करके दिखा रहा है, उन मजदूरों का नाम एक्सेप्ट नहीं हो रहा है मस्टोल निकालने या जनरेट करने पर, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। इसलिए हम लोग मजदूरों को बोल रहे हैं कि भाई आपका आधार। खबर पामगढ़ से है, जहां पर सामुदायिक भवन में दिव्यांग प्रमाणीकरण एवं आकलन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा आसपास के पंचायतों से 253 दिव्यांगजनों को मेडिकल प्रमाण पत्र एवं आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण हेतु आकलन किया गया। शिविर में जिला चिकित्सालय के अस्थि रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला विशेषज्ञ समेत समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज दिव्यांगजनों के लिए प्रमाणीकरण, उनके UDID पंजीयन एवं उनको मतदान से जोड़ने के लिए मतदाता परिचय पत्र में रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर आयोजित की गई। सर, किन किन दिव्यांगजनों का शिविर लगा था? सर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप 21 प्रकार के दिव्यांगता की श्रेणी रखी गई है, जिसमें 21 प्रकार के दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु जिला मेडिकल बोर्ड की टीम आई हुई थी और उनका प्रमाण पत्र बनाए गए। छत्तीसगढ़ के सरायपाली थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 30 जनवरी को सरायपाली जय स्तंभ चौक के पास रहने वाले मूवी दल्ला के मकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया था। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 457-380 का प्रकरण दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 31 1 2023 को रायपुर से जब अपने घर लौट के आया तो उसके सोने मकान का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कुछ सामान चोरी हो गया था। तो मूवी जगदल्ला दिनांक 1 2 2023 को 1 फरवरी 2023 को आके थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया गया। चोर के खिलाफ थाना सरईपाली में अपराध क्रमांक 51/23 धारा 457-380 अज्ञात चोर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। विवेचना के दौरान एक नाबालिग बालक को पूछताछ किया तो उन्होंने अपने 3 साथी इस्लाम मोहल्ला निवासी रमेश दरसेना, चंदन बढ़िया और एक अन्य के साथ मिलकर है ना चोरी करना बताया तथा उसके निशानदेही पर तीनों आरोपियों से चोरी गए मसरूका जब तक तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय केस। खबर सरगुजा के अंबिकापुर से है, जहां पर लखनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक बीती रात मोटरसाइकिल से मोहनपुर के तुंगी नाले की तरफ जा रहा था, तभी बाइक अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई, जिसके बाद युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।